हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिम्पल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर सिक्सटीथ ऑफ मे 2023 16 मई 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे Uh, शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना एक बहुत छोटा सा लाइक अगर आप देंगे तो बहुत ज्यादा सपोर्ट हो जाएगा हमारा तो प्लीज डू दैट फ्रॉम यूर एंड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ प्यारे प्यारे क्वेश्चन है आंसर अच्छे से करना एग्जाम बहुत करीब है और यही सब क्वेश्चन डिटरमाइन करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं तो पहला सवाल है फैंटम एफ न्यूज में रहता है तो ये क्या है ऑप्शंस आपके सामने हैं इन्वेस्टमेंट डन इन ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट डन बाय हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इन्वेस्टमेंट दैट पास थ्रू एमटी टी कॉर्पोरेट शेयर

Its value increases during hyperinflation. तीसरा कैर इट इज बैक्ड बाय अ फिजिकल कमोडिटी तो आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं फीएट मनी के रिगार्डिंग ऑप्शन है आसान सवाल है सवाल है देखो तो बिल्कुल सही मनी बाय अ लीगल टेंड डिक्लेयर टू बी अ लीगल टेंडर बाय द गवर्नमेंट तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहला स्टेटमेंट सही है तो पहला एलिमिनेट हो जाएगा तो आंसर होगा टू थ्री दूसरा और तीसरा गलत है क्योंकि फिएट मनी इज नॉट बैक्ड बाय अ फिजिकल कमोडिटी याद रखना है एंड इट्स वैल्यू इंक्रीजेस ड्यूरिंग हाइपर इन्फ्लेशन लिख रहा है तो

वो हार्ड करेंसी होती है लेट मी टेल यू नाउ मैंने यही सारे कॉन्सेप्ट्स मिला करके एक आज आपको बताने का सोचा है तो पहला हार्ड करेंसी जो होती है वो स्टेबल करेंसी होती है और रिलायबल फॉर्म ऑफ करेंसी होती है जो कि गवर्नमेंट इशू करता है याद रखेगा कभी अगर आपसे पूछे हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी में क्या डिफरेंस है या स्टेटमेंट आ जाए यूपीएससी में फिलिम्स में टिक करने के लिए तो सॉफ्ट करेंसी याद रखना कि सॉफ्ट करेंसी अनस्टेबल फॉर्म ऑफ करेंसी है किसी अनस्टेबल या शेकी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोड्यूस की गई करेंसी होती है ना अगर कोई अनस्टेबल या शेकी गवर्नमेंट कोई नई करेंसी लेकर क्या जाता है तो वहां पे जो करेंसी आ रही है उसको अनस्टे सॉफ्ट करेंसी बोलेंगे बट वहीं कहीं कोई आ, कोई आ, स्टेबल करेंसी आती है कोई स्टेबल कंट्री के द्वारा लाई जाती है जैसे इंडिया है रुपी है या डॉलर है ये सब हार्ड करेंसी में आता है ठीक है ना इट इज स्टेबल एंड इट इज़ रिलायबल इट इज़ अ रिलायबल करेंसी है ना याद रखना है आपको दूसरा एक टॉपिक मैं आपको बताना चाहता हूँ डी बेसमेंट वॉट इज डी बेसमेंट डी बेसमेंट का मतलब होता है लोअरिंग द वैल्यू ऑफ अ करेंसी एक्चुअली क्या होता था, था आज हमारे यहाँ चलो पेपर नोट्स और ये सब करेंसी यूज़ हो रही है लेकिन एक जमाना था जब हमारे यहाँ के कॉइन्स यूज़ होते थे या सिल्वर कॉइन या गोल्ड कॉइन इस तरीके से यूज होते थे मेटल्स वाली चीज़ें यूज होती थी तो डिबेसमेंट का कंसेप्ट एक्चुअली मेटल्स की करेंसी में यूज होता है जब हम किसी भी करेंसी में किसी भी मेटल करेंसी में जो मेटल की वैल्यू है इसको रिड्यूस कर दें मान मान लो गोल्डन करेंसी है तो गोल्ड की वैल्यू रिड्यूस कर दें और उसमें कॉपर या कुछ और मिलाना शुरू कर दें ब्रॉन्ज मिलाना शुरू कर दें ठीक है ना तो यहाँ पे क्या होगा दिस विल बी बेसिकली अ रिडक्शन इन दरिजिनल मेटल तो जब आप रिड्यूस करते हैं ओरिजिनल मेटल को उसे डिबेसमेंट कहा जाता है

अब लोग क्या करेंगे कि गोल्डन करेंसी को अपने घर में रखना शुरू कर देंगे है ना क्योंकि गोल्ड की इंट्रेंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा है और चूंकि ब्रांज इजिली अवेलेबल है और ब्रांज को प्रोड्यूस करना ब्रॉन्ज करेंसी को बनाना बहुत आसान है तो लोग क्या करेंगे इसके एवज में खूब सारी ब्रॉन्ज करेंसी मार्केट में ला देंगे और गोल्ड पूरा गायब हो जाएगा धीरे धीरे ऐसा टाइम आएगा कि गोल्ड मार्केट से गोल्डन करेंसी पूरी गायब हो जाएगी क्योंकि लोग उसकी होल्डिंग कर लेंगे और ब्रॉन्ज करेंसी बना बनाकर मार्केट में डाल देंगे तो देखो क्या हुआ कि बैड करेंसी जो ब्रॉन्ज था इट इज ड्राइविंग आउट द गुड करेंसी और नॉट ये इसने ओरिजिनल गोल्ड को रिमूव कर दिया मार्केट से तो बैड करेंसी ड्राइव

अब बेसिकली ये क्या काम करेगा तो एक तो उत्साह पोर्टल है जो जिसका एम ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो प्रोविजंस हैं उसके कितने इनिशिएटिव्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में लागू हो चुके हैं और अगर नहीं लागू हुए तो कि उनको सपोर्ट करना ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सकें उनको ट्रैक करना ये इसका काम है उत्साह पोर्टल का और दूसरा है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल जिसका काम है बेसिकली फैसिलिटेट द एक्सपर्टीज एंड कोलेब्रेशन मतलब कि यूजीसी ने डेवलप किया है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल टू ब्रिज द गैप बिटवीन अकेडमिया आप याद रखियेगा अब आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है तो तो यहाँ पे एक एडिटोरियल है द कोर्ट रिकॉल दैट इम्पैक्ट ऑफ राइट ऑफ दूज अब यहाँ पे बात चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट अभी रिसेंटली एक मई को हुआ क्या मैं आपको बता दूं एक मई को यह हुआ कि ईडी और जो तुषार मेहता है सॉलिसिटर जनरल वो गए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि सर एक केस था रितु छाबरिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस उसमें जो आपका जजमेंट है उसको कृपया रिकॉल कर लीजिए रिकॉल करिए मतलब उसको वापस ले लीजिए क्यों क्योंकि उस कारण से बहुत सारी दिक्कत हो रही है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उनको दिक्कत हो रही है क्या दिक्कत हो रही आपको बताता हूं आप देखो क्या है एक है राइट टू स्टेट्यूट बेल राइट टू स्टेट्यूटरी बेल जो होता है वो क्या होता है देखो स्टेट्यूटरी बेल का राइट जो होता है वो आपको तब मिलता है जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी साठ से लेकर के नब्बे दिन के अंदर कंप्लीट चार्जशीट नहीं जमा कर पाता चार्जशीट होती है पुलिस ने आपको पकड़ा ना तो उसकी फिर एक चार्जशीट बनेगी मतलब कि आपके ऊपर क्या चार्जेस हैं कैसे जस्टिफाई कर रही है वो क्या क्या उसमें लिख रही है तो पुलिस सारी चीजें मेंटेन करती है चार्जशीट में और फिर वो जमा करती है इसके टाइम पीरियड जो रहता है वो नाइनटी डेज का टाइम पीरियड रहता है चार्जशीट का ठीक है ना अब देखो क्या होता था पहले कि कई बार क्या होता है कि पुलिस नब्बे दिन के अंदर हो सकता है चार्जशीट ना जमा कर पाए है ना अगर वो नहीं जमा कर पा रहा है तो जो एक्यूज कब तक जेल में रहेगा भाई ऐसे तो नहीं

तो अब ये देखो राइट टू डिफॉल्ट बेल था अब क्या होने लगा फिर बीच में ये दिक्कत होने लगी कि कई बार इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज क्या थी वो इनकम्प्लीट चार्जशीट जमा कर देते थे ताकि जो एक्यूज uh, है वो बेल के लिए अप्लाई ना कर पाए तो पुलिस ने क्या करना शुरू किया जो इनकम्प्लीट बेल है चार्जशीट uh, है वही अप्लाई करने लगे तो रितु छावरिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं आपको नब्बे दिनों के अंदर कंप्लीट चार्जशीट पेश करनी है अगर आप इनकम्प्लीट चार्जशीट पेश करते हो तो भी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है क्यूज मतलब वो आपका इनकम्प्लीट चार्जशीट बेल के लिए अप्लाई मतलब रोक नहीं सकता एक्यूज uh, को कि फिर वो अप्लाई ना करे ठीक है ना तो ये जो था मुद्दा ये था ऋतु छाबरिया केस का अब इसको रिकॉल करने के लिए लेकिन ऑथर का ये कहना है कि ये बहुत अलार्मिंग है क्योंकि राइट टू डिफॉल्ट बेल भी कुछ एक्यूज के ऊपर भी कुछ राइट्स हैं एक्यूज के ऊपर भी कुछ राइट्स होने चाहिए क्योंकि अक्यूज कोई प्रूवन गिल्टी नहीं है, है ना उसके भी कुछ अधिकार होने चाहिए और वो अधिकार के लिए ही ये केस था तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल आपको समझ में आ गया होगा अगला है ऑन सेक्शुअल हेरासमेंट इन द वर्क प्लेस तो अभी रिसेंटली uh, दस साल हो चुके हैं सेक्शुअल हेरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रिशल एक्ट के पॉश एक्ट जिसको बोलते हैं दो में आया था सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बहुत सीरियस लैपसेस हो रहे हैं और बहुत अनसर्टेनिटी है इसके इंप्लीमेंटेशन में क्या क्या अनसर्टेनिटी हम बताते हैं सबसे तो पहले पॉश एक्ट जो है वो डिफाइन करता है सेक्सुअल हरासमेंट को टू इंक्लूड अनवेलकम एक्ट एज फिजिकल कॉन्टैक्ट सेक्सुअल एडवांसेज डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स शोइंग पोर्नोग्राफी और एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल और नॉन नॉन और नॉन वर्बल

और डेली वेज बेसिस इन सबके ऊपर ये अप्लाई होगा सबके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है।, है ये इसके बाद जो लॉ है ये एक्सपैंड करता है डेफिनीशन ऑफ वर्क प्लेस ऑल्सो ट्रडिशनल ऑफिस से ज़्यादा इन्होंने वर्क प्लेस को इंक्लूड किया है ताकि सारे ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द सेक्टर नॉन ट्रेडिशनल वर्क प्लेस में भी यह अप्लाई होगा पब्लिक में होगा प्राइवेट में होगा हर जगह होगा ठीक है ना फिर लॉ में बोला क्या गया लॉ कहता है कि कोई भी ऐसा एम्प्लॉयर uh, है जहाँ पे दस से ज्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनानी पड़ेगी उनको एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनानी पड़ेगी और उसको मतलब विमेन एम्प्लॉयज कोई भी विमेन एम्प्लॉय अप्रोच कर सके है ना सेक्शुअल हेरेसमेंट कंप्लेंट फाइल करने के लिए इस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को हेड करने के लिए एक वुमेन होनी चाहिए एंड एटलीस्ट दो वुमेन एम्प्लॉयीज़ होने चाहिए एंड अन अदर जो कि थर्ड पार्टी रहेगी फ्रॉम अ एन जी ओ एन जी ओ से आ सकती है ये जिसको कम से कम पाँच साल का एक्सपीरियंस हो ठीक है ना तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताई गई हैं अब यहाँ पर उनका ये कहना है आ, इसके अलावा एक्ट ये भी कहता है कि हर डिस्ट्रिक्ट को एक लोकल कमिटी बनानी है टू रिसीव कम्प्लेंट्स फ्राम द वुमेन वर्किंग इन फोम्स विद लेस दैन टेन एम्प्लॉयज तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक लोकल कमेटी भी होगी जहाँ दस से कम लोग जहां काम करते हैं ऐसे एम्प्लॉयज़ भी जा सकें तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि ना तो इंटरनल कंप्लेन कमेटी बनाई गई है बहुत सारी कंपनीज में और ना ही लोकल कमिटीज बनाई गई हैं और अगर बनाई गई हैं तो ना या तो थर्ड पार्टी मेंबर नहीं कहीं पर या तो वुमेन हेड नहीं है कहीं पर तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ऑथर ने इशू उठाए हैं और जल्द से जल्द उसको टाइम बाउंड मैनर में सही करने के लिए कहा गया है है ना सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली यही कहा है कि आपको जल्दी से जल्दी ये करना है पॉश एक्ट के लिए और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप एक तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाओ लोकल कमेटी बनाओ एंड ऑल द बॉडीज हैव बीन ऑर्डर टू पब्लिश द डिटेल्स ऑफ द रिस्पेक्टिव कमिटीज इन दर वेबसाइट्स वेबसाइट्स में आप कंप्लेंट्स uh, की uh, uh, उसके कमिटीज की डिटेल भी डालो एपीएस गैप्स इन ट्रांजेक्शन मॉडल एपीएस क्या है ये आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में क्या होता है एक ऐसा मॉडल है जिसमें आपको जैसे आप पीओएस में जाते हो तो आपको इसमें ओ टी पी ओ टी पी का ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं पड़ता है आपको केवल आपका बैंक अकाउंट आधार से इनेबल्ड होना चाहिए और आपके फिंगरप्रिंट प्रिंट लेकर के फिर पेमेंट हो जाती है एन पी सी आई ने इसको ठीक है ना बनाया था अब यहाँ पे याद रखना आप इस चीज़ को कि अभी बहुत सारे लोगों ने ये क्लेम किया है कि उनके पैसे निकल रहे हैं कैसे कि वो सिलिकॉन फिंगर्स का यूज करके और उनके फिंगरप्रिंट को मिमिक कर लिया जा रहे हो तो सबसे बड़ा इशू तो यह क्या आधार का डेटा लीक हुआ है तो ऑथर ने कहा है कि देखो आधार का डेटा डायरेक्ट यूआईडी से नहीं लिया होगा इन्होंने लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जिनका फोटो रहता है आधार का और ये सब चीजें आजकल इजिली अवेलेबल है वहां से भी वो डाटा आ सकता है कि आपका आधार नंबर क्या है ना तो ये एक इशू है जहां से फिर ये लीक हो सकता है है ना एंड इसके इसके लिए रिगार्डिंग जो प्रॉपर सेफ गार्ड्स से हैं वो करने की ज़रूरत है तो ये दैट इज़ द थिंग विच सेड एंड आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको अपने बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को लॉक कर देना यू हैव टू लॉक योर आधार बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन बैंक में जा कर भी आप इनको बता दें भैया इस तरीके का ट्रांजेक्शन आप लॉक कर दो है ना ताकि कोई इस तरीके से पेमेंट ना कर सके तो दैट इज़ वन प्रिकॉशनरी मेजर दैट यू कैन टेक वॉट इज अ ट्रांसफॉर्मर द मशीन लर्निंग मॉडल दैट पावर चैट जीपीटी अब यहां पे बात चल रही है मशीन लर्निंग मॉडल की मशीन लर्निंग क्या होती है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक सब फील्ड होती है जो कि कंप्यूटर्स को एक्चुअली में टीच करती है कि, कि किस तरीके से टास्क सॉल्व करने हैं किस तरीके से ऑडियो वीडियो ऑडियो वीडियो इमेजेस को प्रोसेस करना है तो ये मशीन लर्निंग के द्वारा ही किया जाता है एंड मशीन लर्निंग मॉडल्स जो हैं दे लर्न टू जनरेट डिजायरेबल आउटपुट्स बाय एडजस्टिंग द नॉब्स है ना तो ऑब्वियसली बात है जो वेरिएबल्स उनको एडजस्ट करके फिर वो जनरेट करते हैं मशीन लर्निंग के थ्रू ठीक है ना तो ये इंपॉर्टेंट है अब याद रखिएगा इसमें जो अभी हम चैट जीपीटी देखते हैं उसमें एक्चुअली में यूज़ क्या हो रहा है डीएनएन डीएनएन मतलब कि डीप न्यूरल नेटवर्क एक्चुअली 2010 में आया था डीप न्यूरल नेटवर्क और तब वो लग रहा था कि मशीन लर्निंग के ऊपर चला जाएगा है ना लेकिन बाद में फिर ऐसा नहीं हो पाया कुछ उसके साइजेस बहुत बड़े थे साइज बड़े होने के कारण डीप लर्निंग डीप न्यूरल नेटवर्क को बेसिकली इतना ज़्यादा वो नहीं हो पाया सक्सेसफुल नहीं हो पाया अब यहाँ

है है ना तो ट्रांसफार्मर बेसिकली दो पार्ट न्यूरल नेटवर्क है टू पार्ट न्यूरल नेटवर्क पहला पार्ट इनकोडर होता है और दूसरा पार्ट डिकोडर होता है है ना तो ये जो गूगल ट्रांसलेटर ये सब अपन यूज करते हैं ना इस सब में ट्रांसफॉर्मर ही है इनकोडर और डिकोडर दो पार्ट होते हैं याद रखिएगा एंड इसमें जो प्रोसेस यूज होती है जो मैकेनिज्म यूज होता है डीएनएन में उसको बोलते हैं अटेंशन द प्रोसेस इज अटेंशन है ना याद रखिएगा चैट जीपीटी में टी ट्रांसफॉर्मर है फुल फॉर्म बता दो आपको चैट जीपीटी का फुल फॉर्म है चैट जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर चैट जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर तो ये ट्रांसफॉर्मर वही गूगल वाला ट्रांसफॉर्मर ही है ठीक है तो आप याद रखिएगा सारी चीजें अटेंशन मैंने आपको बताया कि Attention जो है वो प्रोसेस है है वो जिससे मतलब के माध्यम से उसको पता चलता है कि कितना पे कितना ध्यान देना है ना तो दैट इज इज इंपोर्टेंट आगे मूव करते हैं जीरो वेस्ट टू बी लॉन्च इन सिटीज अब आरआरआर सेंटर्स लॉन्च किए जाएंगे आपके दिमाग में आना चाहिए आरआरआर सेंटर्स क्या है आरआरआर सेंटर्स याद रखेगा रिड्यूस रियूज एंड रिसाइकल सेंटर्स हैं जो कि uh, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ मेरा स्वच्छ शहर माई लाइफ माई क्लीन सिटी इनिशिएटिव के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन टू के अंतर्गत आर सेंटर्स हैं जो सिटीज़ में लाए जाएंगे रिड्यूस रियूज एंड रिसाइकल सेंटर्स याद रखेगा दिस इज थिंग विच इज़ बींग डन एन एस सी लॉन्चेस डब्ल्यू टी आई क्रूड ऑयल एंड गैस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो एन ने लॉन्च किए डब्लू और क्रूड ऑयल के एंड गैस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले डब्ल्यू टी आई क्या हैेंचमार्क है यूज बाय द ऑयल मार्केट ठीक है markets, ना जो कि यूएस में होता है बेसिकली ये ओकलहोमा में है और दूसरा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक लीगल एग्रीमेंट टू बाय और सेल अ पर्टिकुलर कमोडिटी असेट ये कमोडिटी असेट के लिए होता है फ्यूचर कॉन्ट कॉन्ट्रैक्ट ये होता है फॉर बाइंग और सेलिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी अट और सिक्योरिटी सिक्योरिटी भी होती है इसमें एट अ प्री डिटरमाइन प्राइस मतलब इसमें प्राइस पहले से डिटरमाइन होती है लेकिन बोलते हैं खरीदेंगे हम किसी फ्यूचर की डेट में ठीक है ना मतलब जैसे मान लो मुझे आपसे ऑयल चाहिए तो मैं आपसे बोलूंगा कि भैया मैं आज के दाम जो सत्तर रुपये चल रहा है पर बैरल उस दाम पे मैं आपसे एक दो साल बाद ये इतना ऑयल लूंगा है ना तो इससे क्या हो जाता है जो इन्फ्लेशन होता है उससे आदमी बच जाता है क्योंकि आपने प्राइस पहले डिटरमाइन कर लिया है तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली यही होता है तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स आई होप यू होपेर वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीप लविंग लविंगस कीप शेयरिंग शरिंगस थैंक यू एंड नाइस डे